तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अभी जो दोनों आईपीओ चल रहे हैं उनके ग्रे मार्केट के प्रीमियम के अपडेट की। पहला तो है सिरमा एसजीएस का आईपीओ और दूसरा है ड्रीम फोक्स सर्विसेज का आईपीओ। तो इन दोनों आईपीओ का ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है, तो अभी दोस्तों अगर बात करें इन दोनों आईपीओ के ग्रे मार्केट के अंदर गिरावट आ गई है। गिरावट क्यों हुई है, क्योंकि दो दिन से अगर मार्केट को देखें तो मार्केट के अंदर भी लगातार गिरावट है। और मार्केट के अंदर गिरावट क्यों है, क्योंकि मार्केट जो है काफी हाई पर चला गया था, 60,000 से ऊपर सेंसेक्स क्रॉस कर गया था। और मैंने कहा भी था कि जब हाई बनाएगा तो थोड़ा बहुत हमें गिरावट भी देखने को मिलेगी, अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, और 2022 का जो साल है पूरा अप्स एंड डाउन्स वाला है। हालांकि इतना ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो थोड़ी बहुत हमें गिरावट भी देखने को मिलेगी, थोड़ी बहुत जो प्रॉफिट बुकिंग है वो हमें देखने को मिलती ही है। तो जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है, डिमांड के ऊपर भी डिपेंड करता है। मार्केट डाउन हुआ है तो थोड़ा बहुत इनके ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर भी इफेक्ट पड़ा है, पर इतना ज्यादा भी इफेक्ट नहीं है तो कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सिरमा एसजीएस का जो आईपीओ है उसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है। और दोस्तों सिरमा एसजीएस का जो आईपीओ है उसका अलॉटमेंट स्टेटस कल की तारीख में आने वाला है, मतलब कल की तारीख में हमें लगभग इसका अलॉटमेंट स्टेटस सबको पता चल जाएगा। लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर आएगा, अगर लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर कल अपलोड नहीं होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे पहले क्रेडिट डेबिट के एसएमएस आएंगे, तो वो कोई भी एसएमएस वगैरह मिलते हैं तो उस पर भी तुरंत ही हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों अभी जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है सिरमा एसजीएस का आईपीओ का 55 रुपए पर शेयर, मतलब 55 रुपीज पर शेयर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम है आज की तारीख में अभी। और कल की तारीख में जब मैंने आपको बताया था 60 से 62 रुपए के आसपास इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम लास्ट टाइम मैंने बताया था वो चल रहा था। अभी मार्केट डाउन होने के कारण थोड़ा गिरावट है, 55 रुपए पर शेयर बता रहा है, 68 शेयर का ये लॉट है। तो 55 × 68 करते हैं तो 3740 मतलब 3740 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 20% से ऊपर का ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, तो ये थोड़ी पॉजिटिव बात है, मतलब रिलैक्सिंग बात है हमारे लिए। फिर दोस्तों आप बात करते हैं ड्रीम फोक्स के आईपीओ के लेटेस्ट ग्रे मार्केट के प्रीमियम के अपडेट के बारे में। और देखिए दोस्तों अभी जो है आईपीओ का सीजन चल रहा है, मतलब एक के बाद एक आईपीओ जा रहे हैं, तो कोई बढ़िया आईपीओ आता है, धमाकेदार आईपीओ आता है, तब क्या है कि हमें लिस्टिंग गेन्स मिलने के चांसेस अच्छे होते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी हमें काफी फायदा मिलता है। और दोस्तों आईपीओ में अप्लाई करने के लिए हमेशा हमारे पास डीमेट अकाउंट तो होना जरूरी है, तो फ्री में डीमेट अकाउंट अगर आपको खुलवाना है तो धन ऐप पर बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट बन रहा है। साथ ही में ये ऐप जो है काफी यूजर फ्रेंडली है, मतलब कोई नया भी इसके अंदर एंटर करता है तो उसको काफी सारी चीजें बहुत ही आसानी से मिल जाती है। जैसे हम अगर आईपीओ सेक्शन के अंदर जाते हैं तो आईपीओ सेक्शन के अंदर क्या है कि जो अभी खुले हुए आईपीओ, मतलब अभी जो ओपन आईपीओ है वो दिखाता है। तो अभी तो कोई आईपीओ ओपन नहीं है, क्योंकि 24 अगस्त को ये आईपीओ ओपन होगा ड्रीम फोक्स का आईपीओ, तो अभी कोई भी आईपीओ नहीं दिखा रहा है। फिर दोस्तों जो अपकमिंग आईपीओ, मतलब जो नए आईपीओ आने वाले हैं, तो उसकी पूरी लिस्ट हमें इसके अंदर दिखा देगा। जैसे ये आप देख सकते हैं पूरे अपकमिंग आईपीओ की लिस्ट जो आने वाले हैं। फिर दोस्तों इसके अंदर लिस्टेड आईपीओ भी दिखाता है, मतलब अपकमिंग आईपीओ के साथ साथ लिस्टेड आईपीओ भी दिखाता है जो लिस्ट हो चुके हैं शेयर मार्केट के अंदर, और उसके साथ साथ इनका रिटर्न भी बताता है, आईपीओ का प्राइस कितना था, इसने रिटर्न कितना दिया है। तो ये भी हम आसानी से देख सकते हैं कि किस आईपीओ ने रिटर्न दिया है, किस आईपीओ ने रिटर्न नहीं दिया है, पूरा हमें उसकी पास्ट और हिस्ट्री भी देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा हम जो बिड्स वगैरह लगाते हैं आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हैं, तो वो बिड्स वगैरह भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो देर किस बात की है, अभी ही डाउनलोड करें धन ऐप को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। फिर दोस्तों बात करते हैं ड्रीम फॉक्स के आईपीओ के ग्रे मार्केट के प्रीमियम के अपडेट के बारे में। तो इसके भी ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर असर हुआ है, क्योंकि सुबह जब मैंने वीडियो बनाया था और रिव्यू वाला, उसके अंदर उसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम करीब करीब 80 रुपए के आसपास चल रहा था जब मैंने वीडियो बनाया था। उसके बाद क्या कि शाम को जब मार्केट के अंदर गिरावट हुई तो ड्रीम फॉक्स के आईपीओ के ग्रे मार्केट के प्रीमियम में भी थोड़ी बहुत हमें गिरावट देखने को मिली है। तो सुबह जो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम 80 रुपए के आसपास चल रहा था, अभी इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम लेटेस्ट 70 रुपए के आसपास चल रहा है, मतलब 70 रुपए पर शेयर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा है। तो ये 46 मतलब 46 शेयर का लॉट है, 70 × 46 करते हैं तो लगभग 3220 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। तो अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 20% से ऊपर का ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, तो ये भी अभी ठीक चल रहा है, मतलब इतना ज्यादा नीचे भी नहीं है इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम। और बाकी देखिए कल मार्केट कैसा रहता है, उस हिसाब से हमें डिमांड देखने को मिल सकती है इन दोनों आईपीओ की। और कल सिरमा एसजीएस के आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस आने वाला है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।